जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों को बड़ी सौगात दी है। बिहार के जमुई में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पीएम मोदी ने 6600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को भी सम्मानित किया। देखिए रिपोर्ट। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री की सौगात, आदिवासियों को 6600 करोड़ की योजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने किया धरती आबा के वंशज को सम्मानित। धरती आबा की जयंती पर बिहार के जमुई से प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के आदिवासियों को बड़ी सौगात दी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए 6600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन गृह प्रवेश भी हो रहा है। जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज बुधराम मुंडा को सम्मानित किया। इस मौके पर अमर शहीद सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू भी मौजूद थे। वहीं खूंटी के पूर्व सांसद कड़िया मुंडा भी मंच पर मौजूद थे। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हू जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। बिहार के जमुई में आयोजित आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने 150 रुपए के स्मारक सिक्का का विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि आजादी में आदिवासी समाज के योगदान को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिसे कोई नहीं पूछता है उसे मोदी पूछता है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति है कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था, संथाल क्रांति क्या थी,
कोल क्रांति क्या थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी जनजातियों की परवाह पहले की सरकारों ने नहीं की, लेकिन अब इनके जीवन की मुश्किलें कम करने के लिए 24,000 करोड़ की पीएम जनमन योजना शुरू की गई है। इस योजना से देश के सबसे पिछड़े जनजातियों का विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11, भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।